तो मध्य प्रदेश के लिए साल 2023 चुनावी साल है, ऐसे में आम से लेकर खास व्यक्ति की नजर सूबे की सरकार पर है। अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब डॉक्टर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एमटीए ने पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज से लेकर सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने का मन बना लिया है, जिसके लिए एक डॉक्टर्स यात्रा निकाली गई है। ग्वालियर से शुरू हुई यात्रा 38 जिलों से होते हुए भोपाल में खत्म होगी, जिसे लेकर एमटीए ने डॉक्टर्स एसोसिएशन एमटीए के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। नहीं, बिल्कुल सरकार तक वार्ता पहुंचेगी, बात जरूर पहुंचेगी, क्योंकि सरकार हमारी बात को जरूर ना सुना कर सकती है, लेकिन जब ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकलेगी और प्रदेश का हर चिकित्सक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएगा, तो बिल्कुल ये आवाज़ पहुंचेगी और हमें उम्मीद है कि इसके बाद सरकार हमारी ना सिर्फ बात को सुनेगी, हमारी समस्याओं को भी समझेगी और उनका निराकरण करेगी। आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। डॉक्टर्स के साथ साथ मरीज भी आधारभूत संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ये मुख्य हमारा उद्देश्य है, इसमें सभी चिकित्सकों को जोड़ना, मरीजों के हितों को जानना, क्योंकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, अव्यवस्थाओं की वजह से मरीज मर रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, लंबी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मरते जा रहे, चिकित्सक उनको सही इलाज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको अलग पीड़ित कर रखा है सरकार ने, हर व्यवस्था में उनको स्पेशलिस्ट आंदोलनकारी बनाने पर विवश कर रखा है। तो ये सबके लिए हम एकजुट होकर शासन के समक्ष अपनी सारी मांगों को चाहते हैं, जिसमें हमारी जो अभी प्रमुख मांगे हैं, अभी ओल्ड पेंशन स्कीम है और डायनेमिक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है। बहरहाल चुनावी साल में सूबे की सरकार किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सरकार हर संगठन की जायज मांगों को लेकर गंभीर भी है, ऐसे में देखना होगा कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के सेकेंड ईयर की परीक्षा पर रोक के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने शासन के जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगले सुनवाई में पूरी जानकारी एफिडेविट के साथ पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। दरअसल पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान अधिसूचना पत्र के संबंध में परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी हुआ था, जिसमें शासन को बिना नामांकन बिना संबद्धता वाले नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्रों की जानकारी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया था, लेकिन शासन ने कुछ ही छात्रों की संख्या बताई, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। और इंदौर में एक बार फिर मध्य प्रदेश में बनने वाले आयुष्मान कार्ड के मामले में अव्वल आया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां आयुष्मान योजना के तहत बनने वाले कार्ड का जो लक्ष्य तय किया गया था उसे पूरा कर लिया गया है, मतलब प्रशासन ने जो टारगेट रखा था वो टारगेट पूरा हो गया है। हालांकि इसके बाद भी आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिला कलेक्टर ने एक पत्र जारी कर कहा है कि अभी भी कुछ आवेदन लंबित हैं, जिन्हें वेरिफिकेशन के बाद आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। गौरतलब है कि सितंबर 2018 में इस योजना के लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने करीब 12.5 लाख लोगों का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है।